हेलो लाइक इट हम जा रहे हैं आज वन ऑफ द स्टीपेस्ट रोड ऑफ कैंटर जहाँ से हम राइट करते हुए जाएंगे एंड ये रोड इज नोन एज द पैलेस्टीनियन रोड गाइस यहाँ से अभी मैं जाकर कर रहा हूँ यही नीचे में आपका नॉर्थिल रिसोर्ट है गाइस इसका मैंने वीडियो बनाया था आप लोग जाकर देखें नहीं तो देख लीजिएगा लिंक डाल देता हूँ ऊपर में और एक नया सा चर्च यहाँ पे बन रहा है गाइस किसी दिन चांस मिलेगा तो वो भी देखेंगे हम लोग इट्स वेरी ह्यूज प्लेस और आज में पालस्टीडियम का कंडीशन देख लीजिए गाइस आप लोग क्या हालत हो रखा है पालस्टीडियम का अभी आज में फोटो मोड यूज करके ड्रॉप कर रहा गाइस इस सब की में तो वन ऑफ द स्टीपेस्ट रोड है ये पालस्टीडियम का रास्ता और स्टीपेस्ट अभी यहाँ से कागज शुरू हो रहे गाइस तो अब हम ये किसी का रास्ता जा रहे हैं यहाँ पर तो एकदम ये पूरा स्टीप रास्ता है गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पर स्टीपेस्ट रोड ऑफ गैंगटॉक है गाइस ये भी एंड ये थोड़ा सा नीचे जाके एक भयानक ही स्टेप रोड आता है तो दोस्तों मैं अभी इसी रोड की बात कर रहा था गाइस यहाँ पर जो रोड है इतना स्टेप है गाइस की अच्छे से लोग भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते जब ऊपर आते हैं किसी भी गाइस ये अभी तो रास्ता अच्छा थोड़ा सा और बना चुके और यही इसी पोस्ट से हमारे फेमस यूट्यूबर सर जी एस प्रिंस के रत्नेंद्र चौधरी वो भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सके थे अपने बाइक पर जब ऊपर आ रहे थे अपने लाइफ के साथ कैंटक में आए थे घूमने के लिए तो दिस इज द रोड गाइस और हम यहाँ से ड्राइव को लेफ्ट होते हुए जा रहे गए थे यहाँ पर समित होटल एंड रिसोर्ट एंड ये पूरा रास्ता गाइस वन वे है इसीलिए थोड़ा सा टेंशन फ्री है गाइस नीचे से कोई गाड़ी आते नहीं है स्पेशली ऊपर से ही के लिए रास्ता बनाया गया है तो एक तरीके से वो तो सही रहता है पर फिर भी गाइस वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट रोड ऑफ गैंगटॉक का रास्ता है जो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाइफर्केट करते हुए सीधा ही बाईपास के एरिया के आसपास पहुँचा देता है गाइस ये रास्ता हम लोग को टू व्हीलर आर ऑल आउट वन ये नहीं होने पड़ती एरिया गाइस यहाँ पर यहाँ से जो नीचे तक भी है गाइस आप लोग देख रहे होंगे तो द अपोजिट साइड और वहाँ पे गैंगटॉक की दिखता है गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नीचे नदी भी जा रहा है तो ये पूरा एक्शन के हम ये सब कुछ यूज करके कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई जो व्यू इफेक्ट है वो तो नहीं दे सकता हूँ एंड दिस रोड इज ऑल्सो सेम गाइस कनेक्टिंग रोड जो पूरा रास्ता जब तक पीछे जो बाईपास जाने का रास्ता कनेक्ट नहीं करते इट्स स्टिप रोड आउट है गाइस एंड आराम से चलना ही बेहतर जाएगा हम लोग को थोड़ा सा आइडिया तो है गैंगटॉक में जो रहते हैं हम लोग उनको थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पे कैसे राइड करना है और जो बाहर से आए उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है स्पेशली जो प्लेन्स में रहते हैं उनको हिल्स में राइड करने का आइडिया नहीं रहता पर मेरे को एक्सपीरियंस इंसान नहीं होगा इससे बहुत बड़े बड़े ग्रेट पीपल होते हैं वो बाइक जो राइड करते हैं यहीं सिक्किम में बड़े बड़े लोग हैं उनका राइडिंग देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो कुछ करते ही नहीं मेरे को तो ना वीडियो करना आता है ना कॉपी करना आता है ना कभी ट्राई किया ना शायद ट्राई करेंगे सिंपल राइडिंग ही गाइस
तो हम लोग गए, ये बाईपास को कनेक्ट करने वाला रोड आ चुका है। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बाईपास पहुंच जाएंगे, और अगर इस तरफ जाएंगे तो हम लोग वापस दूसरी कोर्स होते हुए फिर वापस गेट तक चले जाएंगे गाइस। जैसे कि आप दोस्तों ने देख लिया, हम आ चुके हैं अभी बाईपास में गाइस, और अब जो स्टीप रास्ता है वो तो खत्म हो चुका है, और सिंपली जो सीधा रास्ता है उसके बाद जो तो ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा गाइस। तो यही था वन ऑफ द स्टीपेस्ट रोड जो मेरे घर के पास ही मेरे वहाँ पे बाइक रेस्ट करने लिया। आपने देख लिया कैसा रास्ता था गाइस। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा गाइस। और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा फैमिली में लोगों की और मुझे मिलता रहे और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार ऊपर वाले का प्यार ओवर एंड आउट।